बस एक ऐसा चक्रव्यूह है जो हमेशा दुख रहेगा, बट आई लव बिग बॉस। धमकी वही देते हैं जो डरपोक होते, तो मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। पता नहीं यार, बिग बॉस एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें बार बार फंसने का मन करता है, पर अच्छा है जब तक रहा, सबको एंटरटेन किया। मेरी वाइल्ड कार्ड नहीं हो सकी कोविड की वजह से, उस बात का हमेशा दुख रहेगा, बट आई लव बिग बॉस। वापस अगर बिग बॉस का बुलावा आया तो जरूर जाऊँ। जैसे कि आपकी दोस्त राखी को मारने की धमकी मिली है, तो फेस पे क्या? नहीं फर्क पड़ता यार, धमकी वही देते हैं जो डरपोक होते, तो मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता इस बात। यार मैं बिग बॉस से पहले भी नोन था। बिग बॉस एक शो है जो ऑलरेडी सेलेब्स का होता है, सो आई वाज ऑलरेडी नोन बिफोर बिग बॉस। या बिग बॉस के बाद मुझे मेरा नाम मिला, फेम कम नाम ज्यादा मिला, बिकॉज पहले लोग मुझे कैरेक्टर नाम से जानते थे, बीरबल कहकर पुकारते थे, रावण कहकर पुकारते थे, यू नो राजीव कहकर पुकारते थे, पर अब मुझे विशाल कोटेन के नाम से जानते हैं, तो बिग बॉस ने मुझे फेम से ज्यादा नाम दिया। ग्रैंड ओपनिंग का तो पता नहीं, मुझे लगता है द स्टोरी इज रीवैम्पिंग, क्योंकि सिटी वॉक तो मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, तो अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है कि जब हम छोटे थे ना, तो ऐसे ही शॉप्स में आया करते थे, स्कूल रीओपन होता था उसके पहले शूज़ लेने, कॉलेज के पहले, पर अब तो मॉल्स का ज़माना है, तो मॉल्स के साथ कम्पीट करना है और ब्रांड्स के साथ कम्पीट करना है, तो कुछ ना कुछ नया करना होगा, तो बहुत कमाल का इनिशिएटिव है। यहाँ पर उन्होंने पूरे स्टोर को रिवैम्प कर दिया, ये स्टोर मॉल जैसे ही लग रहा है, इतना बड़ा स्टोर है और बांद्रा के बीच में है, तो बहुत अमेजिंग है, एंड आई लव द कलेक्शन हियर, तो अच्छा लग रहा है एक बार फिर सिंगल स्टोर में आके। ब्रांड आई एम नॉट अ बैड ब्रांड पर्सन, मुझे लगता है कि सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, कपड़े और जूते होना हो चल जाता है, तो अपनी सोच को ब्रांडेड कीजिए, वो पहनिए जो कंफर्टेबल हो, बॉडी पर खर्चा कीजिए, बॉडी अगर अच्छी हो तो कुछ भी पहनो अच्छा ही लगता है। तो इन में से पूरे मॉल में शॉप में से आपको कौन सा शू सबसे ज्यादा अच्छा लगा? मैंने अभी शूज़ देखे नहीं हैं, पर सभी शूज़ अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ दे लुक, पर शूज़ की फील जो है ना, मुझे लगता है कि कपड़े फिर भी ना 19-20 चल जाते हैं, पर शूज़ की फील हमेशा फिट पर जानी चाहिए। इफ़ योर शूज़ फिट यू वेल, देन इट्स द बेस्ट शूज़ फॉर यू, क्योंकि अगर आप पूरे दिन वही शूज़ पहन के रखते हो, तो रात को जाकर आपको मसाज लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक फिल्म कंप्लीट की है पार्टनर्स नाम की, जो बहुत बड़ी फिल्म है, उसके अलावा एक प्ले रिलीज हुई है मेरी लास्ट सैटरडे, इस संडे भी एनसीपीए में शूट था, अब अहमदाबाद शो करके आ रहे हैं, उसी शो को लेकर अब हम दुबई जा रहे हैं, फिर यूएस जाएंगे। फिलहाल के लिए बिग बॉस के बाद सिर्फ ये फिल्म और प्ले ही किया है, काफ़ी वक्त इसी में गुजर गया, कुछ होस्ट करने वाला हूँ बहुत बड़ा, बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा। हर वो काम जो अच्छा है वो करूँगा, काम छोटा है बड़ा नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है, जब तक है अच्छा ही काम करेंगे। मैं आप में से एक हूँ, आप ही के लिए हूँ, जब तक हूँ एंटरटेन करता रहूँगा, बोल बाबू।